तो गाइस मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रेसल अभी। तो भाई सीएम पंक को लेकर के डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली कुछ ना कुछ बातें कही है एंड क्या सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करेंगे इस चीज को लेकर के एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। आप मान सकते हो कंफर्म न्यूज निकल कर आई है कि सीएम पंक अपना रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई में करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सारे लोग जो भी चैनल पर नए हो तो भाई अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बात करते हैं हम लोग सीएम पंक के बारे में। तो अभी मैंने रिसेंट आपको अपनी कल वाली वीडियो में बताया था कि WWE एंड UFC मर्ज हो चुके हैं एंड अब ये आपस में एक TKO के नाम से जानी जाएंगी। एंड उसी प्रेस इवेंट में निक खान जो कि WWE के वाइस प्रेसिडेंट है उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या सीएम पंक WWE में आएंगे एंड सीएम पंक को लेकर के आपके क्या थॉट है। तो निक खान भाई सीएम पंक के बारे में बोलते हैं कि वो एक UFC लेजेंड है, WWE लेजेंड है, हालांकि वो AEW का रेफरेंस नहीं लेते लेकिन वो UFC के बारे में खुला खुला कहते हैं कि सीएम पंक ने UFC में भी अपना काफ़ी ज़्यादा अच्छा नाम कमाया है। हालांकि वो तो हमें पता है कैसा नाम हुआ है उनका सीएम पंक का UFC में। एंड बात करें WWE की तो वो WWE की भी बताते हैं कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड टाइटल जीते एंड वो एक लिविंग लेजेंड है एंड हम उनको जरूर से WWE में वापस लाना चाहेंगे। एंड अगर मैं आपको बता दूं कि अब WWE एंड UFC एक मर्ज कंपनी बन चुकी है एंड जो WWE की ओनर कंपनी है वो एंडेवर है क्योंकि उसके पास 51% की स्टेक्स है। एंड अगर आपको अभी तक नहीं पता तो मैं बता दूं सीएम पंक के UFC के साथ रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं एंड यहाँ पर से HHH के साथ भी सीएम पंक के रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। जिनके साथ टॉक्सिक रिलेशन थे वो थे हमारे विंस मैकमैन एंड वो अब कंपनी से छोड़ करके जा चुके हैं, अब कंपनी में उनका बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर से बहुत ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि सीएम पंक का रिटर्न अब WWE में बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुका है क्योंकि UFC एंड WWE अब आपस में मिलकर के एक कंपनी बन चुके हैं एंड UFC के साथ तो सीएम पंक के रिलेशन पहले से ही काफी ज्यादा अच्छे हैं एंड HHH WWE के अब हेड ऑफ द क्रिएटिव है तो उनके पास भी काफी अच्छी अथॉरिटी पावर है एंड HHH के रिलेशन भी सीएम पंक के साथ काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो इन दोनों की वजह से WWE में सीएम पंक के रिटर्न करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। बाकी अब आप लोग के क्या थॉट है सीएम पंक को लेकर के आप लोग मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो बस भाई आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।